नमस्कार दोस्तों, तो जी स्मार्टफोन को लेकर सभी लोग इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली वो स्मार्टफोन इंटरनेशनल मार्केट में और इंडिया पे लॉन्च होने वाला है। तो कुछ महीने पहले चाइना पे एक स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था Redmi ब्रांड के अंदर, जिसका नाम है Redmi K40S। तो फाइनली वो स्मार्टफोन इंडिया पे और इंटरनेशनल मार्केट में पोको A4 नाम से लॉन्च होने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो पोको A4 नाम का जो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, क्यों मार्केट का सबसे बेस्ट ऑलराउंड वाला स्मार्टफोन होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस पोको A4 के बारे में सारा इंफॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेटल चैनल पे नए हैं और ऐसी स्मार्टफोन रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं, तो गैजेटल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे इसके डिजाइन के बारे में। तो जैसे कि देख सकते हैं, ये जो पोको A4 वाला स्मार्टफोन, आपको टोटल 4 बेहतरीन कलर पे देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा मत समझना कि इसके पीछे आपको ग्लास बॉडी मिलेगा। उससे लग रहा होगा कि इसके पीछे ग्लास है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसके पीछे आपको ग्लॉसी प्लास्टिक बैक कवर मिलेगा। तो इस स्मार्टफोन का थिकनेस है 7.7 मिलीमीटर और इसका वेट है 195 ग्राम। डिस्प्ले के मामले में आपको इसे मिलेगा 6.67 इंच फुल एचडी प्लस E4 120Hz सुपर एमोलेड डिस्प्ले। उसके साथ आपको मिलेगा 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट, 1300 निट्स तक का मैक्सिमम ब्राइटनेस, HDR 10 प्लस और डॉल्बी विजन दोनों का सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। इसके डिस्प्ले का मैक्सिमम ब्राइटनेस है 91% के आसपास, और जिससे कि इसके डिस्प्ले में कोई एक्सीडेंटल डैमेज ना हो, तो इसके लिए इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। तो मतलब इन वन वर्ड हम यही चीज कह सकते हैं, इसका जो डिस्प्ले वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाला है। प्रोसेसर की अगर बात करें, अभी करेंट टाइम का सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा स्टेबल स्नैपड्रैगन 800 सीरीज का प्रोसेसर, जो कि स्नैपड्रैगन 870, वही इसमें आपको मिलेगा। और उसके साथ आपको पोको की तरफ से आने वाले एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कूलिंग सिस्टम भी मिलेगा। कैमरे की अगर बात करें, आपको इसमें मिलेगा 48, 8 और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप। फ्रंट में आपको मिलेगा 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। इसका जो 48 मेगापिक्सल सेंसर, वो एक्चुअली है सोनी IMX582 वाला सेंसर, और इसके रियर साइड में आपको OIS का भी ऑप्शन मिलेगा। ये जो स्मार्टफोन कहा जा रहा है कि मल्टीपल रैम और स्टोरेज वेरियंट पर लॉन्च होगा, फॉर एग्जाम्पल 6GB, 8GB, 12GB रैम वेरियंट, उसके साथ 120GB और 256GB स्टोरेज वेरियंट पर आएगा। इसका रैम का क्वालिटी होगा LPDDR5 और इसका मेमोरी का क्वालिटी होगा UFS 3.1, और इसके साथ डेफिनेटली कोई भी SD कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा। अगर बैटरी के बारे में बात करें, इसमें आपको मिलेगा 4500mAh बैटरी और उसके साथ 67W का चार्जर, और जो कनेक्टिविटी वो आपको मिलेगा USB Type-C। और पोको वालों ने ऐसा क्लेम किया है कि इसका जो चार्जर, उसके मदद से हम इसके बैटरी को एग्जैक्टली 38 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम इसके कुछ बाकी फीचर की अगर बात करें, तो आपको इसे मिलेगा डुअल स्टेरियो स्पीकर, जिसके साथ आपको डॉल्बी एटमॉस का भी सर्टिफिकेशन मिलेगा। कोई भी 3.5mm जैक नहीं मिलेगा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स और NFC का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अब जो सबसे मेन चीज, किस प्राइस में लॉन्च होने वाला है, तो जैसे कि नीचे देख सकते हैं, ये जो स्मार्टफोन चाइना पे 4 प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ है। इसका पहला वेरियंट 1800 युआन, दूसरा वेरियंट 2000 युआन, तीसरा वेरियंट 2200 युआन, चौथा वेरियंट 2400 युआन। तो मतलब जितना मुझे लग रहा है, ये जो स्मार्टफोन इंडिया पे आएगा वही 25,000 रुपए के आसपास। लेकिन अगर आप अभी इंटरनेट पे देखेंगे या फिर बाकी यूट्यूबर को देखेंगे, तो सभी का कहना है कि 20,000 के आसपास आएगा, जो कि मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं 20,000 पे बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि चाइना पे अगर किसी स्मार्टफोन का प्राइस 1800 युआन है और इंडिया में होगा 20,000 रुपए, ऐसा हो नहीं सकता। समझ लीजिए वही 25,000 के आसपास लॉन्च होगा। तो अभी हर वीडियो को जैसे इस वीडियो में आपको कहूंगा, तो क्या 25,000 रुपए के आसपास ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए? अब देखिए, पहले तो हम बात करेंगे डिस्प्ले। इसमें आपको जिस क्वालिटी का डिस्प्ले मिल रहा है, इसके जैसा डिस्प्ले आपको 30,000 रुपए के स्मार्टफोन में मिलेगा। मतलब 25,000 रुपए के हिसाब से बेस्ट डिस्प्ले आपको इस पोको A4 में देखने को मिलेगा। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 870, नो डाउट 25,000 रुपए के आसपास सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रोसेसर है। कैमरा को अभी छोड़ देते, कैमरे के बारे में बात नहीं करेंगे। उसके बाद रैम और रोम का कॉम्बिनेशन, बैटरी और चार्जिंग का कॉम्बिनेशन, डुअल स्टीरियो स्पीकर, डॉल्बी एटमॉस का सर्टिफिकेशन, तो मतलब ये सभी फीचर एग्जैक्टली 25,000 रुपए के हिसाब से टोटली अनबीटेबल है। लेकिन अगर हम इसके कैमरे के बारे में बात करें, अब देखिए इस प्राइसेज में और भी बहुत सारे कंपनी, फॉर एग्जाम्पल Xiaomi आपको दे रहा है 108 मेगापिक्सल कैमरा, Realme आपको दे रहा है Sony IMX766 सेंसर, लेकिन इसमें आपको मिल रहा है एटलीस्ट मेरे ख्याल से 2 से 3 साल पुराना 48 मेगापिक्सल Sony IMX582 वाला सेंसर। तो इसलिए मेरे ख्याल से इस स्मार्टफोन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका कैमरा। मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा कि इसका कैमरा बेकार है, लेकिन एवरेज क्वालिटी का कैमरा है, बेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब वीडियो का आखिर में मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपका
टारगेट है अगले दो महीने के अंदर 25,000 रुपए के आसपास कोई ऐसा स्मार्टफोन लेना जो कि आप मूवी वगैरह देखने के लिए डे टू डे काम करने के लिए एक ऑलराउंड बढ़िया फोन लेना चाहते हैं जिसका कैमरा अगर एवरेज हो तो भी चलेगा, तो पोको F4 से बेटर फोन और कोई भी हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, इधर मैं एक चीज भी कहना चाहूंगा, मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि रिसेंटली आईको ने चाइना पे लॉन्च किया है आईको न्यू 6 AC नाम का स्मार्टफोन जिसका स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट इसके जैसा ही है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सेम प्राइस पॉइंट में आपको ये जो आईको न्यू 6 AC और जो पोको F4 जो लॉन्च होने वाला है मेरे ख्याल से आपको दोनों के लिए वेट करना चाहिए। जो आपको सेम प्राइस पॉइंट में बेटर स्पेसिफिकेशन देगा आपको उसे ही लेना चाहिए। तो अभी आप मुझे जो कमेंट में जरूर कहना कि ये स्नैपड्रैगन 870 वाला जो अपकमिंग आईको और पोको में से अगर आप कोई एक डिवाइस चूज करना चाहते हैं तो कौन सा चूज करना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे जो कमेंट में कहना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।